यूपी के मच्छर यूपी सरकार से भी स्मार्ट निकले। सरकारी लोग सोते रहे और मच्छर ने इस बार भी हर साल की तरह अपना काम कर दिया। बड़े बड़े दावे करने वाली हमारी सरकार को इस बार भी एक मच्छर ने हरा दिया। यही नहीं, जब तक डेंगू के मरीज और डेंगू की वजह से होने वाली मौतें मीडिया की सुर्खियां ना बन जाएं, तब तक हमारा सिस्टम सिटपिटाता भी नहीं है। शायद यही वजह है कि सरकारी सिस्टम से पस्त हो चुके लोग अब भगवान भरोसे हैं। बांधा में इस गांव में डेंगू से बचने के लिए लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। इस गांव के एक मंदिर में डेंगू से पीड़ित मरीज भी खूब आ रहे हैं और पूजा पाठ में शामिल हो रहे हैं। गांव में अब तक डेंगू से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों ने डेंगू से बचने के लिए भगवान का सहारा ले लिया है। गांव के सीताराम मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। लोगों का मानना है कि भगवान ही उनको डेंगू से बचा सकते हैं। हमारे गांव में डेंगू फैला हुआ है, तो हम लोगों के पास पैसे नहीं है, तो सिर्फ भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है कि वो ही ठीक करेंगे। हमारे यहाँ 5 लोगों की मौत हो गई है। देखिए नाली किस तरह बोझी है, कह रहे हैं जो 15 दिन से नाली की सफाई हो रही है, यहाँ एक ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह ड्यूटी हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ कह रहे हैं 50 आदमी लगे हैं, 100 आदमी लगे हैं। जमालपुर गांव की 60% आबादी अभी भी डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रस्त है। इसके अलावा जिले के 2 अन्य गांवों साढ़ा और मवई में भी डेंगू का प्रकोप है, जहां काफी लोग डेंगू से बुरी तरह प्रभावित हैं। वहीं सीएमओ साहब कहते हैं कि डेंगू का मच्छर बस या ट्रेन में आ सकता है। आपके जरिए हमारे वर्कर के जरिए सूचना मिलती है कि बुखार है और संभावित डेंगू हो सकता है, वहां पर हम DDT फॉगिंग DDT का स्प्रे करते हैं, जिससे मच्छर जो है वो आगे 1 हफ्ते 10 दिन ले जा रहा है, और जो एडल्ट के लिए हम फॉगिंग कराते हैं कि डेंगू का कहर हमारे पड़ोस के जिले में कानपुर में फैल गया है, ठीक है, और कानपुर यहाँ की मुख्य एक व्यावसायिक बाजार है, तो संभव है कि वहाँ से कुछ मच्छर आए, तो तमाम बसें तमाम ट्रेनें आती हैं। वैसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि सरकार और सिस्टम के पास इस बीमारी और बीमारी को फैलाने वाले मच्छर से लड़ने का दम है। दम इसलिए क्योंकि साल दर साल सरकार और उसकी कोशिशों पर मच्छर ही हावी रहा है। सिस्टम तो सिर्फ लाचार होकर मौसम से बदलने का इंतजार करता है। यकीनन इस साल भी यही होगा। ये तथ्य किसी भी सरकार के लिए एक जोरदार तमाचे की तरह है कि जब सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो, उसी वक्त डेंगू के मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा होता हो, जो हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जाता है।